हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायर। आज हम बात करेंगे हमारा DNF ब्लॉक के क्वेश्चन की। हमने बात कर ली थी तो हमने पहले पार्ट वन में पूरे 23 क्वेश्चन किए थे। अभी पार्ट टू में हमने हमने कुछ 10 से 15 क्वेश्चन हमें यहाँ पर करने हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कि हमें किस तरीके से इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब अगर मैं बात करूँ ACD5 वगैरह की, यहाँ पे बात करेंगे हम। जो आपको अगर फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे तरीके से याद समझ में आ गया होगा तो आपको ये सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस है इसमें, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इसमें बनने के चांसेस नहीं होते। अगर एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से यहाँ पे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हम कंसेप्ट वैसे भी हमने इसके जो नोट्स है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हम नोट्स में मैं इसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन SCD5 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हेन SCD5 K2Cr2O7 सॉल्यूशन इज एडेड टू SN2 प्लस सॉल्ट एंड SN2 प्लस चेंजेस टू, जो अगर मेरा SN2 प्लस में अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरा सॉल्यूशन जब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, बताओ, बता सकते हैं आप? किसके अंदर ये चेंज हो जाएगा, बता सकते हैं आप? मेरा SN2 प्लस किस में क्या किसके अंदर चला जाएगा? तो मैं अगर आपको बता दूं, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर बता दूं तो ये हमारा SN+4 में चला जाएगा। SN+4 में, SN+2 हमारा SN+4 में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये दोनों जो है मेरे, ये जो दोनों है उनके अंदर आर नॉट अ स्टेबल, नॉट अ स्टेबल स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, ठीक है। ये नॉट अ स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है, इसलिए आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ये नॉट अ स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग स्टेट आ जाएगी, नॉट अ स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ये हो जाती है, ठीक है। इसलिए इनका आंसर ये मेरा SN+4 में चल जाएगा। तो ये चीज आपको फिर से याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन एफ इज हाइएस्ट विद द एफ हाइएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द Mn इज, तो विद एफ के साथ जो है मेरा कौन सा हाईएस्ट स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन करता है, तो ये MnF4 की यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये MnF4 की यहाँ पे बात कर रहा है। तो MnF4 में आपका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है, तो यहाँ पे +4 मेरे को देखने को मिलता है। यहाँ पे +4 होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है इधर, +4 में आपको देखने को मिल जाएगा ज्यादा। और अगर एक +4 से ज्यादा देखने को मिलेगा, अगर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा होने की वजह से ज्यादा नहीं हो सकता, +4 तक की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ज्यादा ज्यादा अगर आपको देखने को मिलेगा तो ज्यादा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगा इनके अंदर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। द पेयर इन विच बोथ द एलिमेंट जनरली शो द विच वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है जो दोनों भी पेयर बोथ शो द ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा कौन सा शो करता है? तो मेरा SN, अगर मैं SC3+ और ZN2+ की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे दोनों भी वन ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो ये मेरे फर्स्ट आंसर ही चले जाएंगे, ये मेरे पेयर जो है वन ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। द रिएक्शन गिवन इज C2CO+ से CU और CU2+ इज कॉल्ड, तो ये क्या हो जाएगी मेरी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है इसके अंदर, हमारे डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं ये एलिमेंट आयंस के अंदर। तो ये चीज आप मेटल्स के अंदर आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। इस एलिमेंट को, इस रिएक्शन को मैं क्या नाम दूंगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे द कंपाउंड विच डू नॉट एग्जिस्ट, हमारा इसमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है CuI, ऐसा कोई भी कंपाउंड है मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों है? CuI की अगर मैं बात करूंगा तो आपको मैं बता चुका हूँ, यहाँ CuI के साथ बिल्कुल भी एक फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट रहेगा। I2 या फिर CO2I2 देखने को मिलेगा आपको, I2 के अंदर ऐसा सिंगल आई के आइटम के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये मेरा फोर्थ आंसर चल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम। द ट्रांजिशन एलिमेंट कैट एक्ट एज अ कैटेलाइज बिकॉज, ऐसा क्यों करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट एलिमेंट मेरा एक्ट एज अ कैटेलाइज बिकॉज दे हैव द हाइस्ट डेंसिटी कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या होता है, एक्ट एज अ कैटेलिस्ट शो होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टीशियल कंपाउंड, इंटरस्टीशियल कंपाउंड की करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बतानी है। तो इंटरस्टीशियल कंपाउंड की यहाँ पे करेक्ट स्टेट अगर बताओगे आप, तो यहाँ पे क्या, इंटरस्टीशियल कंपाउंड आर फॉर्म बाय द स्मॉल एटम्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
बोरॉन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरस्टीशियल कंपाउंड इसी तरीके से मिलते हैं कि हमारे बता दीजिए आप। हाँ उसके बाद द कंपाउंड आर नॉन स्टाइकोमेट्रिक, दे शो द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तो मेरे को ये ऑल ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट लग रहे हैं मेरे को इंटरस्टीशियल कंपाउंड के। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द येलो कलर ऑफ द क्रोमेट चेंजेस टू द ऑरेंज एंड एसिडिफिकेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किस चीज का फॉर्मेशन होने की वजह से इनके अंदर ऑरेंज चेंज हो जाता है। तो मेरा जो ए टू माइनस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑरेंज चेंज देखने को मिलेगा। तो एसिडिफाई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सी आर टू ओ सेवन, टू माइनस का फॉर्मेशन होने की वजह से आपको ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, एसिडिक मीडियम में के आई के साथ मेरा जो है आई टू बनाता है, ये चीज प्लीज याद रख लेना। और बी टू के साथ आई ओ थ्री माइनस, मतलब फिर से आ गया ये क्वेश्चन, पहले पहले पार्ट में भी हमने इसको पढ़ा था, तो प्लीज इसको याद रख लेना। ठीक है, तो आई ओ टू एंड आई ओ थ्री के आई ओ थ्री, ये जो है मेरा आंसर देखने को मिलेगा, सेकेंड ऑप्शन मेरा चले जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इन द डाइक्रोमेट डाइनाइन, डाइक्रोमेट डाइनाइन में आपको देखने को मिलेगा, डाइक्रोमेट डाइनाइन में सिक्स सी आर ओ बॉन्ड जो कि इक्विवेलेंट होते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सिक्स सी आर ओ बॉन्ड मेरे क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन अ गिवन सेट ऑफ द कंटेन ऑल अलाइंस विद द एफ नॉट कॉन्फिग्रेशन, एफ जीरो कॉन्फिग्रेशन किसके अंदर प्रेजेंट होगी, तो आपको इसको देखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें आपको बता देता हूँ, ये एक एग्जाम्पल है जिसको मैंने नोट्स में भी बता रखा है, इन सब की जो है एफ नॉट एफ जीरो कॉन्फिग्रेशन पता होती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, डी आंसर चले जाएगा। इसी के साथ आपका जो है पूरा डी एंड एफ ब्लॉक पूरा कंप्लीट होता है गाइस, पूरे क्वेश्चन के साथ, और नोट्स भी मैंने नोट्स का भी लेक्चर आपको करवा दिया है, तो डी एंड एफ ब्लॉक एफ एंड ब्लॉक यहाँ पे पूरा खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।